क्या आपके घुटनों में दर्द है? जोड़ों की समस्या ने आपको परेशान कर रखा है? क्या आप जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचने का उपाय ढूंढ रहे हैं? तो आप सही जगह पर है। आज हम आपको एक अद्भुत आयुर्वेदिक समाधान से रूबरू कराएंगे। इसका नाम है स्नेहोपग महाकषाय। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम आयुर्वेद के खजाने से स्वास्थ्य का समाधान लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं स्नेहोपग महाकषाय के बारे में, जो हड्डियों को चिकनाई प्रदान करने और जोड़ों को स्वस्थ रखने में बेहद प्रभावी है। स्नेह यानी चिकनाई शरीर की हड्डियां और जोड़ों को मज्जा धातु की सही देखभाल की जरूरत होती है। जब शरीर में मज्जा धातु का पोषण कम हो जाता है तो हमें घुटनों में दर्द, हड्डियों का कमजोर होना और यहाँ तक कि जॉइंट रिप्लेसमेंट की नौबत आ सकती है। स्नेहोपग महाकषाय की 10 जड़ी बूटियां जो शरीर में स्नेह यानी चिकनाई बढ़ाती है और हड्डियों को मजबूत करती है। आइए जानते हैं इन महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों के बारे में। इनमें पहला है द्राक्षा, जिसे मनुका भी कहते हैं। यह वात पित्त और कफ तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करती है। यह स्निग्ध और शीतल होती है, जिससे यह शरीर में ठंडक और चिकनाहट उत्पन्न करती है। द्राक्ष का मुख्य काम शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है और अस्थियों में आवश्यक पोषण को बनाए रखना है। यह हड्डियों की संरचना को सुदृढ़ बनाती है और जोड़ों के दर्द में राहत देती है। दूसरी जड़ी बूटी है मुलेठी। इसके मीठे स्वाद के साथ यह बेहद प्रभावशाली औषधि है, जो शरीर की वायु और कफ दोष को संतुलित करती है। मुलेठी हड्डियों की ताकत को बनाए रखती है और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक होती है। इसमें प्राकृतिक एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो जोड़ों की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तीसरा, गिलोई, जिसे अमृता भी कहते हैं। यह जड़ी बूटी आयुर्वेद में बहु प्रचलित है। यह शरीर से विषातक पदार्थों को निकालने और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। गिलोय में एंटीऑक्सीडेंट और सूजन रोधी गुण होते हैं, जिससे यह हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं को दूर करती है। इसके नियमित सेवन से शरीर के सभी दोष संतुलित होते हैं और मज्जा धातु का पोषण बेहतर होता है। चौथा, मैदा। यह एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जो हड्डियों और मांसपेशियों को अद्वितीय लाभ पहुंचाती है। यह शरीर को स्थिरता प्रदान करती है और तंत्रिका तंत्र को मजबूत बनाती है। इनसे हड्डियों का विकास होता है और मरम्मत होती है। मैदा विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जिन्हें हड्डियों में दर्द और कमजोरी की समस्या होती है। पांचवा, विदारीकंद। यह भी एक शक्तिशाली औषधि है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और हड्डियों को मजबूत बनाती है। यह वात और पित्त दोषों को संतुलित करती है और अस्थियों में स्नेह को बढ़ाती है। इसके सेवन से शरीर को न सिर्फ बल मिलता है, बल्कि यह हड्डियां और जोड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रखने में मदद करती है। छठी औषधि, काकोली, जो शरीर में स्नेह उत्पन्न करती है और हड्डियों को पोषण देती है। यह वात और पित्त को शांत करती है और हड्डियों की संरचना को बेहतर बनाती है। इसके अलावा यह शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है और ऊतकों की मरम्मत में सहायक होती है। सातवीं, क्षीर काकोली। क्षीर काकोली को विशेष रूप से ठंडक और ऊतक पुनः निर्माण के लिए जाना जाता है। यह शरीर में स्नेह और चिकनाई उत्पन्न करती है और हड्डियों की शक्ति को बेहतर बनाती है। क्षीर काकोली वात और पित्त दोषों को संतुलित करती है और जोड़ों में चिकनाहट को बढ़ाकर दर्द में राहत देती है। आठवा, जीवक। जीवक एक अत्यंत महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है, जो शरीर में पोषण और स्नेह का संतुलन बनाए रखती है। यह शरीर की ऊर्जा को पुनः स्थापित करती है
और हड्डियों को मजबूत बनाती है। जीवक का नियमित सेवन हड्डियों की ताकत को बनाए रखता है और वात दोष के प्रभाव को कम करता है। नौवा है जीवंती, डोडी खरखोड़ी। यह भी एक शक्तिशाली औषधि है जो शरीर के तीनों दोषों को संतुलित करने में मदद करती है। यह शरीर में स्नेह और चिकनाई उत्पन्न करती है और हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करती है। ये जड़ी बूटी अस्थियों की संरचना को बेहतर बनाती है और हड्डियों की कमजोरी को दूर करती है। दसवीं, सालपर्णी। सालपर्णी जो एक अद्वितीय जड़ी बूटी है, यह वात पित्त और कफ दोषों को संतुलित करती है और शरीर में स्नेह को बढ़ाती है। यह हड्डियों में स्नेह उत्पन्न करती है और जोड़ों के दर्द में राहत देने में मदद करती है। सालपर्णी का उपयोग शरीर को संपूर्ण रूप से पोषण देने और हड्डियों को मजबूत करने के लिए किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस महाकसाई का उपयोग कैसे करें, तो आपको बता दें कि इसका सेवन विशेषज्ञों की सलाह से किया जाना चाहिए। इसे नियमित रूप से सेवन करने से न केवल जोड़ों की समस्या में राहत मिलेगी बल्कि हड्डियों का पोषण भी बेहतर होगा, जिससे जॉइंट रिप्लेसमेंट से बचा जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आप हड्डियों और जोड़ों को मजबूत बनाना आयुर्वेदिक समाधान ढूंढ रहे हैं, तो स्नेहोपग महाकसाई आपके लिए सही विकल्प है। उम्मीद है आपको इस जानकारी से लाभ होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।